आज हम बात करेंगे शहर में गैंगस्टर के साथ संपर्क में रहने वाले एक युवक की। पुलिस ने पकड़ा तो क्या कुछ मिला उस पर बात करेंगे। साथ ही नगर पालिका भिंडर में पार्षद की अभद्रता से आहत कर्मचारियों की खबर दिखाएंगे। पाकिस्तानी बीफ चॉकलेट को लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश के साथ पैंथर के मूवमेंट और पुलिस के जवान बाप बेटे को समाज से बहिष्कृत करने का मामला आपको दिखाएंगे। साथ ही राजसमंद की दुष्कर्म पीड़िता की वेदना और उस पर पुलिस क्या बना रही है दबाव, उस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भावना व्यास। आप भी अपनी खबरें हम तक भेज सकते हैं हमारे नंबर 9413802327 पर। हमारी एक नई मुहिम मेवाड़ी बुलेटिन बहुत जल्द होगा शुरू। आप अपने सुझाव और राय हम तक भेजें। शहर के हाथीपुल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 19 वर्षीय एक युवक को ऑटोमेटिक पिस्टल व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी बम्बोरा थाना कुराबड़ हाल जागृति स्कूल के पास खेरादीवाड़ा निवासी मनोज सालवी पुत्र शंकरलाल सालवी को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने बताया कि आरोपी इंस्टाग्राम पर कई कुख्यात गैंगस्टर्स के संपर्क में था। आरोपी के पिता ने मनोज को किश्तों में आईफोन दिला रखा था। पुलिस की स्पेशल टीम ने सूचना के आधार पर उसको गुरु गोविंद स्कूल के पास से दबोचा। पुलिस को देखकर भागने लगा कि पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल में कई संदिग्ध वीडियो जब्त किए हैं। अन्य कुख्यात गैंगस्टर्स के साथ हुई बातचीत के आधार पर उससे संपर्क में आने वाले अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। नगर पालिका भिंडर में कर्मचारी के साथ पार्षद की अभद्रता को लेकर शुक्रवार सुबह पालिका के मुख्य द्वार पर कर्मचारी धरने पर बैठ गए। पालिका के कर्मचारियों ने पैन डाउन हड़ताल शुरू कर दी। पालिका कर्मचारियों का कहना है कि पार्षद द्वारा अशोभनीय व्यवहार किया, जिसको लेकर कर्मचारियों की भावना आहत हुई है। इसको लेकर धरना दिया गया। इधर कर्मचारियों के धरना देने से आमजन के कार्य पूरी तरह से प्रभावित रहे। आईओ भिंडर प्रतीक झा ने बताया कि जल्द संबंधित पार्षद के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया जाएगा। उदयपुर के बाजारों में बिक रही गाय के मांस से बनी पाकिस्तानी चॉकलेट को लेकर शहर के हिंदू संगठनों में आक्रोश है। बजरंग सेना मेवाड़ ने इसकी घोर निंदा करते हुए कार्रवाई की मांग की है। बजरंग सेना मेवाड़ के पदाधिकारियों का कहना है कि बाजार में गौमांस से बनी चॉकलेट बेचकर धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए प्रतिबंध लगाया जाए। कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में बजरंग सेना इस कृत्य के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उदयपुर प्रशासन की रहेगी। जी देखिए, अभी हम लोग एडीएम सिटी से मिलकर के हम लोगों ने खुला कहा कि भाई हमारे हिंदू धर्म के अंदर 33 कोटि देवता और सब गाय के अंदर बसते हैं, और अगर उसका मांस हमें खिलाया जाता है तो हमारे लिए इससे फिर निजता अधर्म की बात और क्या है। और विषय यह नहीं है, विषय यह है कि एक दुकानदार के पास जब ये चीज़ आती है, उसके पास ये चीज़ कहाँ से आई और आगे से आगे कहाँ से, उस तार को पकड़ा जाए। और वास्तव में राज्य सरकारों ने भी प्रतिबंध लगा रखा है, केंद्र सरकार ने भी प्रतिबंध लगा रखा है, और उसमें खुला लिखा हुआ है कि इसमें गाय का मांस है, तो फिर उसको बिक्री के लिए दे ही क्यों रहे, क्या उसको बिक्री के लिए नहीं देना चाहिए। कहीं ना कहीं हमने एडीएम सिटी को यही कहा कि आप एक दुकान बंद करके अपनी फाइल बंद कर देंगे, वो नहीं, इसको केंद्र स्तर तक उठाएं, राज्य स्तर तक उठाएं, और इससे अगर आपसे अगर नहीं संभलता है तो फिर हम लोग आज तो हिंदू सेंटर के लोग अभी से भी एक एक लोग आए हैं, अगर नहीं होगा तो हम हज़ारों की संख्या में आकर कलेक्टर परिसर में धरना देंगे। कारण क्या है कि हम इसको सीधा सीधा गाय का मांस है, इसको हम एक चॉकलेट जिहाद के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमारे यहाँ कन्हैयालाल का मर्डर हुआ, वो भी जिहाद में, उसने कुछ कह दिया तो जिहाद, ये हो गया तो इसमें भी गौ मांस खिलाने का जिहाद हो गया। तो अगर इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा तो निश्चित है कि हम लोग खुद स्ट्रिक ऑपरेशन करेंगे। और मैं तो धन्य मानता हूँ हमारे उस मीडियाकर्मी को जिन्होंने वास्तव में ये चीज़ अपना धर्म निभाते हुए उठाई, वास्तव में वो क्यों, मीडिया तो चौथा स्तंभ है, तो कहीं ना कहीं हम उनको भी धन्यवाद देते हुए और आप सबके माध्यम से हम हमारी बात प्रशासन को रखिए, अगर वो करते हैं कार्रवाई ठीक, नहीं करेंगे तो हमें तो कल दिया कुमारी जी ने जी, सरकार हाँ, को भी घेरा और ट्वीट किया उसके ऊपर। जहाँ तो चलिए राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार जी, लेकिन ऐसा सामने आया था क्योंकि हम लोगों ने जब बात की दुकानदार से तो उनका कहना था कि उन्होंने मुंबई से वो जी हाँ हाँ जहाँ पे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है जी, आपको क्या लगता है कि वहाँ उस लेवल पे उन्होंने जब वो चीज आई मुंबई तक पहुंची कैसे जी, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? नहीं, आप देखिए हमारे साथ शिवसेना के प्रमुख भी आए, हमने कहा ना सभी संगठन के लोगों को, तो हम इनके आपके माध्यम से भी
वहाँ की सरकार को भी हम लोग चेताएंगे कि आप हिंदुजी सरकार से आप चेंज होकर आए, जब अगर आपके राज्य में ये हो रहा है तो फिर दूसरे राज्यों में क्या होगा। तो निश्चित है हम अन्य संगठन जो है शिवसेना के माध्यम से बात करते हुए उनको कहेंगे पहले प्रतिबंध वहाँ लगाओ और वहाँ से चीज़ें नहीं है, और केंद्र सरकार को भी चेताएंगे। हम जो हमारे यहाँ सांसद महोदय हैं उनको भी कहेंगे भाई आप राज्य सरकार वहाँ संसद में ही बात उठाइए कि आखिर ये आ रही है तो कहाँ से आ रही है। तो इसके लिए केंद्र भी जिम्मेदार है, राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। शहर के बीच सुखाड़िया सर्कल स्थित रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में पैंथर के मूवमेंट ने आसपास के लोगों में हलचल मचा दी है। आमजन की मांग पर वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया है। ट्रेनिंग स्कूल के पीछे वाले हिस्से में झाड़ियों के बीच लगाए गए पिंजरे में एक बकरे को भी बांधा गया है। इससे पहले 7 दिसंबर को गुमानिया नाले के पास सीसीटीवी में पैंथर दिखाई दिया था। यहां एक जर्जर मकान में पैंथर घुसता हुआ सीसीटीवी में नजर आ रहा था। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी, जिसके बाद विभाग ने यहां पिंजरा भी लगाया, लेकिन वापस पैंथर का यहां मूवमेंट नहीं हुआ। अब उसी पिंजरे को रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में लगाया गया है। गुमानिया नाले और रेलवे ट्रेनिंग स्कूल की दूरी महज 600 मीटर है। ऐसे में माना जा रहा है कि एक ही पैंथर का मूवमेंट इन दोनों जगह देखा गया है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाने में पुलिस के जवान बाप बेटे सहित अन्य को समाज से बहिष्कृत करने का मामला सामने आया है। पीड़ित पुलिस जवानों ने इसकी शिकायत एसपी को की तो आरोपी समाज के जानकारी के अनुसार पुलिस जवान मीरा कुमार सालवी कारछा खेरवाड़ा एवं उनके पुलिसकर्मी पुत्र मुकेश सालवी एवं कमलेश सालवी सहित पीड़ित लालूराम पुंजाजी सालवी छाणी खेरवाड़ा ने एसपी के सामने पेश होकर बताया कि खड़क क्षेत्र सालवी समाज संस्थान खेरवाड़ा के रजिस्टर्ड अध्यक्ष हीरालाल लालजी सालवी निवास छाणी, कार्यवाहक अध्यक्ष अमृतलाल पन्नाजी सालवी निवासी फूटाला, कोषाध्यक्ष ब्रिजमोहन नाथुलाल पछोला निवास पहाड़ा एवं समाज के अन्य पदाधिकारियों ने समाज से बहिष्कृत कर हुक्का पानी बंद कर दिया है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने बताया कि आरोपी द्वारा समाज के व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर समाज खेरवाड़ा बैठक आयोजित कर तुगलकी फरमान जारी किया और किसी को भी उनके से सामाजिक व्यवहार बोलचाल और निमंत्रण देने पर आर्थिक दंड लगाने की बात कही। समाज को विधिक सूचना पत्र भी प्रेषित किया, लेकिन समाज के तुगलकी पंचों ने इनको समाज में पुनः नहीं लिया। अनावश्यक दबाव बनाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। मामले की गंभीरता देखते हुए एसपी ने खेरवाड़ा थाना अधिकारी को एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामला उदयपुर पुलिस से जुड़े 3 जवानों का है, जहां जमीनी विवाद के चलते उदयपुर खड़क क्षेत्र सालवी बुनकर समाज द्वारा व्हाट्सएप पे मैसेज वायरल किया गया कि समाज की एक बैठक आयोजित की जा रही है, और उस बैठक के अंदर इन्होंने पुलिस के जवान और इनके परिवारों को समाज से बहिष्कृत करते हुए इनका हुक्का पानी बंद कर दिया। साथ ही ये तुगलक की फरमान जारी कर दिया कि जो भी समाज का व्यक्ति इनसे बोलचाल रखेगा, संबंध रखेगा या कोई भी संव्यवहार करेगा तो उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा और उनके ऊपर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। इस मामले में इन लोगों द्वारा काफी प्रयास किया गया कि इनको समाज में वापस लिया जाए। कुल मिलाकर इनके मूल अधिकार के साथ उनके फंडामेंटल राइट के का वॉल्यूशन किया गया, लेकिन इनके बार बार निवेदन करने पर भी और नोटिस भिजवाने के बाद भी जब समाज के पंचों द्वारा इनको वापस समाज में नहीं स्वीकारा गया, ऐसी अवस्था में इन्होंने अपने पुलिस कप्तान जिला पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट पर पुलिस थाना खैरवाड़ा के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। इनके बयान होकर अनुसंधान इस मामले में जारी है। राजसमंद जिले के कुवारिया थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में आरोपी और उनके सहयोगियों पर कार्रवाई नहीं होने से आहत पीड़िता एवं उनके परिजनों ने उदयपुर आकर गुहार लगाई। आरोप है कि आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पीड़िता के परिवार को बदनाम करने की धमकी दी जा रही है। जांच अधिकारी और थाना अधिकारी पीड़िता और उनके परिवारजनों पर मामला उठाने के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़िता और उनके परिवार ने न्याय की गुहार लगाते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। ओम प्रकाश अहिर जिला सुरावास का रहने वाला है। वह मेरे को 10/9 को सुबह 7 बजे उसने मेरा अपहरण कर लिया और उसके साथ ओम प्रकाश सहित 7 जने हैं। उनका नाम है शंकरलाल अहिर, नारायणलाल अहिर, शांति देवी, सीमा, रमेश अहिर और भैरूलाल अहिर और प्रकाश जाट सहित 8 जनों ने षड्यंत्र मिलकर मेरे साथ मानसिक और शारीरिक षड्यंत्र किया है और
और मेरे साथ बलात्कार किया है, मेरा रेप किया है उन लोगों ने मिलके। और कुंवारिया थाना में मैंने 21 दस को उन लोगों ने षड्यंत्र रच के 14 दस को मुझे बाहर निकाल दिया, मारपीट के बाहर निकाल दिया। और फिर 21 दस को मैंने कुंवारिया थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है। आयोग हीरालाल मेनारिया है और कुंवारिया थाने में वहाँ थाना अधिकारी मुझे वहाँ बुला के धमकाता है और मुझे बोलता है कि समाज से समझौता कर लो, नहीं तो मैं FIR पेज कर रहा हूँ। वो ओम प्रकाश यही है, सूरावास का है, गांव सूरावास का है और जिला भिलवाड़ा का रहने वाला है। और वो मुझे दरा धमकी दे रहा है बार बार फोन पे, मेरा घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। वो बोल रहा है ऐसे डाल दूंगा, ये डाल दूंगा, मेरा घर से, मेरा और मेरे परिवार का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है और बहुत परेशान कर रहे हैं वो लोग। शहर के विद्या निकेतन विद्यालय हिरण मगरी सेक्टर 4 में 33वीं राष्ट्रीय योगासन प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। मुख्य वक्ता के रूप में शिव प्रसाद, मुख्य अतिथि के रूप में मावली विधायक धर्मनारायण जोशी ने शिरकत की। अध्यक्षता KG गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि ML गोयल व धीरेन्द्र सिंह सच्चान थे। उद्घाटन सत्र में आभार प्रदर्शन भंवरलाल शर्मा ने किया तथा उद्घाटन सत्र का अंत प्रांत संस्कार केंद्र प्रमुख व योग प्रमुख प्रभात आमेटा ने वंदे मातरम के साथ करवाया। खेल संयोजक ने बताया कि अंडर 14 बाल वर्ग में व अंडर 17 किशोर वर्ग के भैया व बहनों की दलगत प्रतियोगिता संपन्न हुई। 17 दिसंबर को अंडर 19 तरुण वर्ग के भैया बहनों की प्रतियोगिताएं होगी तथा कठिन आसनों की व्यक्तिगत प्रतियोगिता और संगीत व नृत्य के साथ आसन की व्यक्तिगत प्रतियोगिता भी होगी। मावली ब्लॉक की विचरवास ग्राम पंचायत स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामदेवरा में शुक्रवार को बच्चों को स्वेटर वितरित किए गए। मावली के पूर्व विधायक व वर्तमान प्रधान पुष्करलाल डांगी की अध्यक्षता में डांगी जागृति सेवा संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 55 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए, जिससे बच्चों के चेहरे पर खुशी दौड़ आई। इस अवसर पर प्रधान पुष्करलाल डांगी ने राज्य सरकार द्वारा आयोजित बाल गोपाल योजना को लेकर सरकार की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य किशनलाल पूर्विया, डांगी जागृति सेवा संस्थान अध्यक्ष ललित कुमार डांगी, पूर्व अध्यक्ष मेघराज डांगी, कोषाध्यक्ष धुलेराम डांगी, सचिव पृथ्वीराज डांगी व ग्रामीण मौजूद थे। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।